अस्सलामुअलैकुम। तो शहजाद बुटा एक नई वीडियो के साथ हाजिर है, और वो वीडियो आज जो है वो बहुत ही स्पेशल है उन लोगों के लिए जो कि स्कॉलरशिप लुक कर रहे हैं, मतलब देख रहे हैं, मतलब स्कॉलरशिप सर्च कर रहे हैं। तो आज ये दूसरी वीडियो है हमारी स्कॉलरशिप के हवाले से, क्योंकि हमने लास्ट एक वीडियो बनाई है मैंने और हमजा, पहले उस वीडियो को देखें फिर इस वीडियो के ऊपर आएँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू दैट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है हमज़ा अरमगान नशाही और मैं बुटा साहब के साथ आज वीडियो बना रहा हूँ और बुटा साहब के चैनल के लिए। तो आज ये दूसरी वीडियो है, जो जैसा कि बुटा साहब ने बताया, ये हमारी दूसरी वीडियो है, ये जो एडमिशन सीरीज़ है ना उसकी। तो दूसरी वीडियोस बुटा साहब के चैनल पे अपलोड होगी। जो पहली वीडियोज़ है वो अगर आप में से किसी ने नहीं देखी तो वो भी आप देख लें, वो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है। चलें जी बुटा साहब, स्टार्ट करें कि बेनिफिट आज बताएं कि बेनिफिट जो है एन स्कॉलरशिप के और यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे अगर आते हैं तो वो लोगों को क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले एक रिक्वेस्ट आपसे, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम लोग एफर्ट करते हैं और एफर्ट यही होती है कि आप सब लोग हमें अप्रिशिएट करें। किस सिलसिले में आप सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को? बस आपका कुछ भी नहीं जाता यार, कुछ जाता है तो आप मुझे बताएं, कुछ भी नहीं ना जाता तो आपने सब्सक्राइब ही करना है। तो जो रेड वाला बटन है उसको थोड़ा सा दबा दें, और साथ में जो घंटी का बटन लगा हुआ ना, टन टन की आवाज़ आनी चाहिए। मुझे पता चला है कि लोग घंटी के बटन को दबाते हैं लेकिन टन टन की आवाज़ नहीं आती, पता नहीं क्या वजह यार। आप भी दबा के देखें क्या आपकी आवाज़ आती है यार। हम सभी, मैं देख रहा था कल अपने वीडियो के, अपने चैनल का एनालिटिक्स, 75% लोग मेरा चैनल देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे ही है, लोग सब्सक्राइब नहीं करते यार, ये आपकी रिक्वेस्ट थी। व्यूज देख रहे हो बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सिर्फ आज के टॉपिक के ऊपर जो कि एनिट स्कॉलरशिप के ऊपर है। एनिट, सबसे पहले मैं बताता हूँ एनिट है क्या। एनिट एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनिट एक आप समझ ले स्कॉलरशिप प्रोवाइडर है, जो कि तमाम चिली, पूरे चिली में प्रोवाइड कर रहा है फंडिंग को। ये पोस्ट डॉक्टरेट के लिए भी है, ये डॉक्टरेट के लिए भी है, ये मास्टर के लिए भी है, ये आउटसाइड, मतलब जैसे आप यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट हैं, फॉर एग्जांपल चिलियन के लिए भी ये है कि आप फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे भी जा सकते हैं, मैक्सिको जा सकते हैं इस एनिट की स्कॉलरशिप के ऊपर। और आज स्टार्ट करता हूँ इसके बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहले जो PhD स्कॉलरशिप कैंडिडेट हैं उनको तकरीबन 1.75 लाख पाकिस्तानी करेंसी में बता रहा हूँ ये बनते हैं, 1,75,000 स्कॉलरशिप पाकिस्तानी अमाउंट में। सेकंड थिंग इज़ के आपकी यहाँ पे इंश्योरेंस भी है, जो कि इनके करेंसी के मुताबिक 33,000 CLP, यहाँ पे आपको पता कि चिलियन पीसो के नाम से करेंसी है। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू हैव अ वाइफ, उसकी जो मेटर्निटी है वो भी ये कवर करेंगे। ये मेन तीन बेनिफिट्स, और चौथा आपकी पूरी यूनिवर्सिटी का वेवियर ये खुद ही प्रोवाइड कर देंगे यूनिवर्सिटी को, ठीक है, जैसे ही स्कॉलरशिप होगी। अच्छा, ये चार चीज़ें होगी। उसके अलावा जो कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें हैं वो है, सबसे पहले आप 3 से 4 महीने, डिपेंड अपॉन योर सुपरवाइज़र, इफ़ ही इज़ विलिंग, यू कैन गो टू फॉरेन कंट्री फॉर इंटर्नशिप फॉर 5 or 6 months एंड अप टू 1 ईयर। ये होगी बेनिफिट्स। अच्छा, अब इसके लिए आपने क्या क्या चीज़ें कैसे रेडी करनी है वो मैं आप इसके ऊपर आता हूँ। जैसे कि मैंने और हमजा भाई ने आपको पिछली वीडियो में बताया कि यू हैव टू सिक्योर एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी इन योर, मतलब जो आपकी, आप जो आपको अच्छी यूनिवर्सिटी लगती है, जिसने आपको एक्सेप्ट कर लिया, उसने आपको एक डॉक्यूमेंट दिया होगा कि यार दिस स्टूडेंट इज ऑलरेडी एक्सेप्टाडो, नॉट एडमिटेड, एक्सेप्टाडो फॉर एनिट प्रोग्राम। वो डॉक्यूमेंट आपने संभाल के रखना है, एक चीज़ हो गई, इट इज़ काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस लेटर समझ लें एनिट के लिए। द सेकंड थिंग इज़ नो रैंकिंग सर्टिफिकेट। नो रैंकिंग सर्टिफिकेट क्या मतलब होता है कि यार हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, पाकिस्तान में कोई रैंकिंग नहीं बनाते, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th इस तरह की कोई रैंकिंग नहीं बनाते होते। तो वो एक डॉक्यूमेंट है, उसको आपने वहाँ से, मैं अपने इस वीडियो के लिंक में लिंक डाल दूंगा, वो आपने डायरेक्टली वहाँ से डाउनलोड कर लेना है और अपने डिपार्टमेंट से के चेयरमैन से या डायरेक्टर से वो साइन करवाना होता है और स्टैंप लगवानी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर मेरा ये डॉक्यूमेंट रह गया था तो मेरी ये यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप हुई थी, एनेड नहीं हुई थी। हम सब भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा, मैं कह रहा हूँ कि ये वीडियो जो एनेड की स्कॉलरशिप की है ना, ये हम बाद में कवर करेंगे, अभी हम बताते हैं आपको बेनिफिट, एनिट के बेनिफिट क्या होते हैं और यूनिवर्सिटी पे अगर आप आते हैं तो उसके बेनिफिट क्या होते हैं और एक स्टूडेंट
कितने कितनी अमाउंट में रह सकता है यहाँ पे। ये जो हमारी वीडियो ना, ये बिल्कुल फोकस अभी मेन फोकस है बेनिफिट पे, और जो एंड किया है वो हम इसी चैनल पे अपलोड करेंगे नेक्स्ट एक दो मंथ नेक्स्ट एक दो वीक में। तो अभी बुट्टा साहब यही करेंगे। ये मैंने कुछ चीज़ें आपको वैसे ही बता दी हैं ताकि आपको ये पता हो कि यार ये चीज़ें हैं पड़ी। और अब मैं आता हूँ यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप का बेनिफिट्स कितने हैं। यूनिवर्सिटी में और एनएड में कोई ख़ास इतना फ़र्क नहीं है, अ लिटल अबिट, मतलब पैसों के हवाले से। जैसे मैंने बताया कि 1,75,000 पाकिस्तानी करेंसी में है वो, मतलब एनएड की, और उसमें कुछ बेनिफिट्स मैंने आपको साथ बताए। अब इसमें ये चीज़ है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में, इधर तकरीबन कोई 1,40,000, मतलब इकोनॉमी भी हिसाब से देखें ना, डॉलर ऊपर जा रहा है उस तरह का भी हिसाब है, तो अगर आप उसको राउंड अबाउट अगर मैं करूं तो 6,40,000 CLP आपकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है। उसके साथ आपकी पूरी ट्यूशन फ़ी, मतलब 4 ईयर आपका ट्यूशन फ़ी वेवियर है पड़ा। उसके अलावा कोई बेनिफिट और नहीं है ये यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में। और ये इतनी अमाउंट है कि आप लोग यहाँ पे रह सकते हैं, खा पी सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं इसमें आपको ऐड कर दूँ, जैसा कि आपको पता है ये है साउथ अमेरिका, यहाँ पे ये हॉस्टल वाला कोई सिस्टम नहीं है। यू हैव टू सर्च फॉर योर अकोमोडेशन, ये चीज़ आपने खुद करनी होती है। और ये इतनी परेशानी वाली बात नहीं है, यहाँ पे मतलब घर मिलता है, कासा कहते हैं ला कासा, तो उसमें 3 से 4 कमरे होते हैं, आप एक कमरे में आराम से गुजारा कर सकते हैं। इसमें हर चीज़ प्रोवाइड होती है घर में, मिसाल के तौर पे आप देख रहे हैं हम यहाँ बैठे हुए हैं तो हर चीज़ यहाँ पे है, टीवी, टेबल, एवरीथिंग, कोई मसले वाली बात नहीं है। और कुछ ये होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह हो गए, वाटर बिल हो गया, उसके अलावा गैस का बिल हो गया, ये भी डिपेंड करता है कि आप किस घर में रह रहे हैं। अगर कुछ ऐसी जगह जहाँ पे आपने ये पे भी नहीं करना, जस्ट यू हैव टू पे इंटरनेट, और यहाँ पे ये है कि आपको गैस का जो सिस्टम है वो किसी घरों में गैस वाला सिस्टम नहीं है तो वो क्या सिलेंडर यूज़ करते हैं। तो ये सारा तरीकाकार है, कोई मसले वाली बात नहीं है। आप यहाँ पे अप्लाई करें, यू आई थिंक यू 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 कैन ईजिली गेट द स्कॉलरशिप एंड यू विल ईजिली इंजॉय अ लाइफ हेयर। तो ये मैं आपको सिर्फ कहना चाहूँगा। और मैं आपको ये बताऊँगा कि जैसे है CLP यहाँ की है करेंसी, और जो CLP है वो 1,000 फॉर एग्जांपल यहाँ पे ना ऐसे है कि जैसे पाकिस्तान में 100 पैसे का एक बंदा ना रुपया, यहाँ पे 1,000 CLP का एक मील बनता है, उसको मील कहते हैं, हम इसको मीला मीला कहते रहते हैं। और जो एक मील है वो 230 225 के राउंड अबाउट है, पाकिस्तानी 230 25 बनते हैं, यानी कि एक यहाँ का रुपया पाकिस्तानी 230 25 बनते हैं, और हमें देते हैं एनिड वाले 830 मील। तो आप उसको कन्वर्ट कर लें, जितने पाकिस्तानी रुपये बनते हैं वो फिर आपको पता चल जाएगा। और राउंड अबाउट ये मैं दिखाऊँ आपको, डॉलर के हिसाब से लगाएं तो एनएड की स्कॉलरशिप होती है तकरीबन 900 से अबव ही होती है, 900 डॉलर, यानी कि 1,000 है, 1,000 टोटल मिला जुला के 1,000 बन जाती है। और उसके उसके अलावा अगर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देते हैं ना तो वो 700 750, इतनी 750 डॉलर। तो उसमें एक स्टूडेंट का बड़ा बेहतरीन किस्म का हो सकता है, शशके वाली लाइफ है स्टूडेंट की, उसके अंदर आ सकती है। उसके अलावा अगर आप फॉर एग्जांपल स्कॉलरशिप पे हैं तो आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते। काफ़ी ज़्यादा लोग मुझे पूछते रहते हैं कि भाई स्कॉलरशिप पे काम कर सकते हैं, स्कॉलरशिप पे अगर हम आ जाएं तो स्कॉलरशिप पे हमें काम करने, भाई आप पढ़ने आ रहे हो या काम करने आ रहे हो मुझे आप ये बताएं पहले। तो अगर आपने काम करना है तो आप स्कॉलरशिप का भूल जाएं कि आप स्कॉलरशिप लेंगे या नहीं लेंगे, तो स्कॉलरशिप का उसके साथ कोई तलक नहीं है, क्योंकि हम आपका डाटा चला जाता है गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट को पता होता है कि ये बंदा यहाँ से स्कॉलरशिप ले रहा है, हमारी गवर्नमेंट का ये किस्म का एम्प्लॉय है, तो हम जो है वो इसको पे कर रहे हैं। तो अगर उस उनको पता चल जाए कि आप कहीं पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं तो फिर आपको स्कॉलरशिप भी ख़त्म कर देते हैं, और जितने आपने पैसे लिए होते हैं फिर वो आपको वापस करने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हैं साथ साथ। तो अभी मैं बस इतना ही कहूँगा, हो सकता है तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो इन्फॉर्मेशन है वो हम अच्छी तरह से कन्वे कर और जो इन्फॉर्मेशन है वो हम अच्छी तरह से आपके आपको कन्वे कर चुके हैं। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप काइंडली शिजाज़ भुट्टा को मैसेज कर सकते हैं और नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं भी उसमें आपको रिप्लाई कर सकता हूँ, और मैं भी आपको जब भी हम फ्री हुए तो आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो अभी शहजाद भुट्टा वीडियो का एंड करते हैं, और आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है छोटी सी। मैं लास्ट में एक चीज़ ऐड कर दूं, बहुत प्यारा मुल्क है,
ठीक है ना, सेफ मुल्क है, कोई मसले वाली बात नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं, फ्रेंडली लोग हैं। पीआर भी तो मिल जाती है, ये भी बताओ। आफ्टर, अब जो वीज़ा पॉलिसी है इसके ऊपर भी वीडियो एक बनेगी, वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। तो ये पूरा, ये जो अब आने वाले दिन है ना, ये आप सबके लिए बेनिफिट्स के दिन हैं, तो इसको अवेल करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और लाइक करें। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो आप मेरे चैनल पे, हमजा भाई के चैनल पे विजिट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। फेसबुक पे हम सब लोग एक, मतलब सबको रिप्लाई नहीं कर सकते, आप जो आपको अंडरस्टैंड करनी चाहिए ये चीज़ ना, एक वक्त में हम सबको रिप्लाई नहीं कर सकते। क्योंकि हमें तो यार और भी काम होते हैं, क्लासेस, रिसर्च, हर हर सारा दिन हम जो है वो इधर उधर, ये चीज़ें बड़ी हमारे माइंड में होती, चल रही होती ये हैं। आपसे क्वेश्चन जो कर रहे थे ना कि भाई यहाँ पे काम कर सकते हैं, यार पहले साल आपने कोर्स पढ़ने हैं, 3 साल आपने रिसर्च करनी है, वो ही आपका काम है, हाँ वो काम करेंगे वो आपको डिग्री मिलेगी। तो ये काम वाले को जो टॉपिक है ना इसको छोड़ दें, यहाँ पे आप काम करने ही आ रहे हैं, बट ये कि ये आप इसको आप ऐसा समझें कि ये मेरी जॉब है, PhD इज काइंड ऑफ अ जॉब। तो इसी तरह मुझे दीजिए इजाज़त और हमजा भाई को भी दीजिए इजाज़त, मिलते रहेंगे, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।